YouTube के इतिहास की सबसे पुरानी सीरीज को मैं दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ। जब मैंने YouTube पर पढ़ाना शुरू किया आज से 3-4 साल पहले, जब एक भी चैनल टीचिंग से रिलेटेड नहीं था, तो मैंने पहली सीरीज शुरू की थी पेडागोजी एंड साइकोलॉजी फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस, यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें हर वीडियो के अंदर मैं 10 टॉपिक उठाऊँगा, 10 ऐसी चीज़ें जो सी टेट में, डी ट्रिपल एस पी में, के वी एस में, रीट में, यू पी टेट में, एम पी टेट में, एच टेट में और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें आएंगे ही आएंगी। यानी कि ये एक पूरी सीरीज भी जिसने फॉलो कर ली वो ये समझ लो कि जो जड़ें मजबूत करनी होती है या जो बेस बनाने वाला प्रोसेस होता है वो हो जाएगा। तो ये वाली सीरीज को आप जो है अपनी फेवरेट बना के रखना, क्योंकि इसकी पहली वीडियो है ये। ये डेली एक वीडियो आएगी जिसमें फैक्ट्स एंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एक भी एग्जाम में चूकोगे नहीं। ये सीरीज मैंने पिछली बार जब शुरू की थी तो मैंने इसकी 350 वीडियो बनाई थी और उस वो वीडियोस इतनी ज़्यादा फेमस हुई जिसकी कोई हद नहीं है। तो यू आर द लकी वन जो पहली इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विप्लव सिंह नाम है मेरा और ईमानदारी से पूरी वीडियो देखनी है। चलो पहली चीज देखते हैं, टीएटी परीक्षण किस चीज को मापता है। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसको बोलते हैं और ये मापता है पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को। कई बार क्वेश्चन आया है ये किस चीज को मापता है, ऑप्शन में पर्सनैलिटी आपको ऑप्शन मिलता है, बुद्धि आपको ऑप्शन मिलता है, तो कई ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें से पर्सनैलिटी आंसर आएगा। इसके अंदर 31 कार्ड होते हैं, याद रखना। अगर कार्ड की बात पूछे आपसे कितने कार्ड मिलेंगे इसके अंदर, 31 कार्ड मिलेंगे। चलो जी, परसोना शब्द का अर्थ क्या होता है। परसोना, इस परसोना लैटिन वर्ड से ही पर्सनैलिटी शब्द बना है जो कि अंग्रेजी का शब्द है। पर्सनैलिटी का तो मतलब होता है कि आदमी का बाहरी आवरण कैसा है, यानी कि बाहरी नकाब और मुखौटा। बिल्कुल आपको पता है आदमी होता कुछ है, दुनिया के सामने दिखाता कुछ है और उसके बारे में लोग सोचते कुछ है। तो परसोना शब्द का मेन अर्थ क्या हुआ, यह लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन। इसका अर्थ हुआ बाहरी नकाब या मुखौटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा है जिसने भी ये कहा है। आगे देखते हैं, शील गुणों के आधार पर किसने पर्सनैलिटी को बांटा। अब देखिए, पर्सनैलिटी को बांटने के आधार अलग अलग थे। शरीर के प्रकार के हिसाब से किसी ने बांटा, किसी ने शील गुण के हिसाब से बांटा। तो शील गुण के हिसाब से बांटने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, आर बी कैटल, याद रखना, आर बी कैटल। शील गुण के आधार पर पर्सनैलिटी बांटी इन्होंने। व्यक्तित्व किसका गुणनफल है, यानी कि आदमी की जो पर्सनैलिटी है वो किसका गुणनफल होता है, वो होता है वंशानुक्रम और वातावरण का। एक तरफ हेरिडिटी, एक तरफ एनवायरमेंट, उनके बीच का मल्टीप्लीकेशन होती है पर्सनैलिटी या फिर डेवलपमेंट। याद रखना, हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरमेंट, यानी कि जो आपका वंशानुक्रम है उसको जब आप गुणा करोगे वातावरण के साथ तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा व्यक्तित्व या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट। समझ में आ गई बात। तो हमेशा याद रखना कि डेवलपमेंट जो होता है या व्यक्तित्व जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की गुणा होगा। यहां पर बीच में जमा घटा गुणा नहीं, जमा घटा भाग नहीं आएगा, हमेशा गुणा ही आएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, आपका ऐसा बेस बना दूंगा मैं, आपको मजा आ जाएगा। ये वीडियो कब पूरी हो जाएगी देखते देखते आपको पता भी नहीं लगेगा और रिक्वेस्ट करोगे सर ऐसी वीडियो डालो और डाल दूंगा मैं। व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या बोलते हैं इसको, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक बच्चा दूसरे से रुचि के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से अलग है, फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से अलग है, एबिलिटी के हिसाब से अलग है, बहुत सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो एक आदमी दूसरे से अलग है। आप कई चीज़ों में मुझसे अलग है, मैं आप लोगों से कई चीज़ों में अलग हूँ, कुछ चीज़ें आपको पसंद है, कुछ चीज़ें मुझे पसंद है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया, ये किया गाल्टन ने, फ्रांसिस गाल्टन इनका पूरा नाम है। इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अपनी बुक के अंदर काफ़ी अच्छे से बताया और उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण ही
हर एक व्यक्ति की रुचि, हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट एक दूसरे से अलग होता है। आवश्यकता सिद्धांत नीड थ्योरी किसने दी? अब देखिए, नीड थ्योरी दी थी अब्राहम मैस्लो ने। मैस्लो की सोच एक थी कि कोई भी काम होता है नीड के कारण। नीड, जब भी किसी चीज की जरूरत पैदा होती है तभी आप किसी काम को करने लगते हैं, यानी कि नीड के कारण क्या पैदा होती है? मोटिवेशन। मोटिवेशन, नीड के कारण मोटिवेशन पैदा होगी और मोटिवेशन के कारण आप क्या करेंगे? काम करेंगे, यू विल बी एक्टिव। तो याद रखना, नीड आपको एक्टिव बना देती है। क्यों? नीड के कारण आप मोटिवेट होते हैं वो काम करने के लिए। और अब्राहम मैस्लो ने ही ये नीड थ्योरी दी थी। उनका कहना स्पष्ट रूप से ये था कि जब तक किसी काम को करने की नीड नहीं पैदा होगी, कोई भी काम करने के लिए आदमी मजबूर नहीं होगा, तब तक वो आदमी काम करेगा नहीं। ठीक है, स्नैक्स खा के काम चल जाए तो आप खाना क्यों खाओगे? सीधी सिंपल सी बात है, जब पेट में बिल्कुल तगड़ी भूख लगेगी तभी खाना खाने जाओगे आप, वरना घर में जो स्नैक्स पड़े उनसे आप काम चला लोगे। तो वही बात है भाई, जरूरत की है ना, जरूरत महान तो गधा पहलवान, ऐसा भी करना पड़ता है। आगे देखो, बेसिक इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्ति का कंसेप्ट किसने दिया? अब देखो, दो चीज है, एक होते हैं संवेग जिसे बोला जाता है इमोशन, और एक होती है बेसिक इंस्टिंक्ट, उसको बोला जाता है मूल प्रवृत्ति। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? इमोशन का मतलब है जब आपके शरीर के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज आते हैं। मान लीजिए आपके अंदर आ गया गुस्सा, तो गुस्सा आने के बाद एक नेचुरल रिएक्शन आपके अंदर आता है, मारपीट करना, हिंसा करना। तो जो गुस्सा है दोस्तों वो तो है इमोशन, लेकिन जो वॉयलेंस है वो है बेसिक इंस्टिंक्ट। यानी कि संवेग आने के कारण जो नेचुरल रिएक्शन इंसान पैदा करते हैं वो नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? बेसिक इंस्टिंक्ट। जैसे कि आपके दिल के अंदर इमोशन आया दर्द का, आप रोने लग गए, तो दर्द होना इमोशन है और रोना मूल प्रवृत्ति है। तो याद रखना, हर एक इमोशन के साथ बेसिक इंस्टिंक्ट जुड़ी हुई है। ये किसने कहा? ये कहा मैकडूगल ने। मैकडूगल ही ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने साफ स्पष्ट रूप से ये बताया कि जो संवेग होते हैं, इमोशन होते हैं, और जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, मूल प्रवृत्ति होती है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। हर एक इमोशन की एक बेसिक इंस्टिंक्ट आपको मिलेगी, या हर एक बेसिक इंस्टिंक्ट का आपको एक इमोशन मिलेगा। अब आपके माइंड में आएगा कि इमोशनल डेवलपमेंट पूरा कब हो जाता है? इमोशनल डेवलपमेंट शुरू के 2 साल में ही पूरा हो जाता है। बच्चे के अंदर सभी संवेग 2 साल के अंत तक आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे पहला संवेग रहता है उस संवेग का नाम रहता है उत्तेजना। ये भी याद रखेंगे। टोटल कितने संवेग और मूल प्रवृत्तियां होती हैं? 14 संवेग होते हैं। कितने? 14 के 14 संवेग आपको करवाऊंगा, और आपको मैंने करवा भी रखे हैं। हर एक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इमोशन आएगा, इमोशन आने के कारण आप रिएक्ट तो करोगे ही, तो जो नेचुरल रिएक्शन होगा वो मूल प्रवृत्ति होगी। और ओवरऑल ये कितने हैं? 14 है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा? अब देखो, अलग अलग अवस्थाएं हैं। किशोरावस्था को सबसे कठिन काल किसी और ने कहा, शैशवावस्था को किसी ने कहा, बाल्यावस्था को किसी ने कहा, किसी न किसी ने हर एक अवस्था को कठिन काल कह रखा है। हमें ध्यान रखना है किशोरावस्था का। किशोरावस्था को कठिन काल कहा किलपैट्रिक ने। किसने? किलपैट्रिक ने। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? अब देखिए, तगड़ा क्वेश्चन है। एक वीडियो में जब मैंने लाइव लिया 3-4 दिन पहले, मेरे मुंह से निकल गया कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? पेस्टालोजी नहीं, किलपैट्रिक, एक जैसे नाम है ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया। याद रखो एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आए यहां पर प्रोजेक्ट मेथड, हिंदी में इसको बोलेंगे परियोजना विधि। देखिए, परियोजना विधि कैसी होनी चाहिए, कैसी है, इसका जो कंसेप्ट था ना, इसका जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट दिया था जॉन डीवी ने। किसने? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने। लेकिन इसके जनक कौन है इस विधि के? इसके जनक है किलपैट्रिक। आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, इसका कंसेप्ट जॉन डीवी ने, या विचारधारा तो जॉन डीवी की थी, तो उसके जनक किलपैट्रिक कैसे हो गए? किलपैट्रिक जॉन डीवी के चेले थे, यानी जो जॉन डीवी था उसका स्टूडेंट था किलपैट्रिक। जॉन डीवी ने सोचा कि प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए, बच्चे ऐसे ऐसे सीखने चाहिए, लेकिन
जब तक वो ये कंसेप्ट देते, उनकी डेथ हो गई और उनके जो चेले थे किलपैट्रिक, उन्होंने अपने गुरुजी का काम आगे बढ़ाया और उनकी जो विचारधारा थी उसको एक स्पष्ट रूप दिया, जिसको आजकल आप प्रोजेक्ट विधि के नाम से जानते हो। ये अब तक वैलिड है, अब तक इसको माना जाता है। तो इसके जनक किलपैट्रिक, लेकिन क्वेश्चन पूछे प्रोजेक्ट मेथड किसकी विचारधारा पर, किसकी सोच पर आधारित है, तब आंसर क्या आ जाएगा, तब जॉन डी भी आप लगा कर आओगे। तो दोस्त ये आज आपकी पहली वीडियो थी साइकोलॉजी एंड पेडागोजी फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस की, सीटेट केवीएस डी ट्रिपल एस पी एमपीटेट यूपीटेट रीट, कोई भी आपका एग्जाम हो, ये जो सीरीज होगी आप सबको इतनी ज्यादा पसंद आएगी जिसकी कोई हद नहीं है। डेली मैं इसके अंदर ऐड करता रहूंगा चीजें। अब हमारे चैनल के ऊपर चीजें कितनी चल रही हैं वो एक बार देख लेते हैं, ताकि आप जो नए स्टूडेंट जुड़े उन्हें पता रहे। हम सबसे पहले तो तैयारी कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी की, उसमें मेरी सीरीज चल रही है, पहली सीरीज है पेडागोजी की, पेडागोजी चैप्टर्स, पूरे चैप्टर हम कर चुके हैं 16। दूसरी हमारी किस चीज की चल रही है बताओ, दूसरी चल रही है रीजनिंग की। रीजनिंग की मैं 3 या 4 वीडियो डाल चुका हूं। और तीसरी चल रही है हमारी डी ट्रिपल एस बी की स्पेशल एजुकेटर की, स्पेशल एजुकेटर की भी 4 वीडियो डाल चुका हूं। अभी हमारी यही चीज चल रही है। एक दोस्त मेरे पास अभी माइक और चीजें नहीं है लाइव आने की, इसलिए मैं लाइव आ नहीं पा रहा हूं। तो एक है हमारा 9 PM का जो लाइव होता है हमारा, वो हुआ है अब तक एक ही, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें यार, अभी तो मैं ये ऐसे मोबाइल पर रिकॉर्ड करके चीज़ें डाल देता हूँ, मेरे पास मोबाइल और ये है, लेकिन लाइव जाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मेरे पास है नहीं अभी बिल्कुल भी, ना माइक है ना कुछ भी है। तो दोस्त ये काफ़ी जल्दी शुरू करूँगा मैं। अब ये 5वीं जो सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है, ये मैंने पहली वीडियो डाल दी है इसकी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब दोस्तों आप अगर वीडियोज़ को नहीं देखेंगे दोस्तों तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बाउंस बैक करना यूट्यूब पर, तो आप लोग वीडियोस को जरूर देखें। अब वीडियोस के अंदर जो कंटेंट होगा, जो क्वालिटी होगी दोस्तों, उसकी गारंटी मेरी है कि वो आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। लेकिन आपको वीडियोस को देखते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो बहुत लेट हो जाए है ना यार। तो जरूर यार आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि लाइफ के इस टाइम पर आई रियली नीड यू, बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे आप लोगों की। सो जरूर सपोर्ट दिखाइएगा। बाकी पहली वीडियो थी, दूसरी वीडियो आपके लिए काफ़ी जल्दी आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात पढ़ते जरूर रहना है। टेक केयर दोस्तों।